है कि ओके नहीं? माली जी सिरक गए सत्तू आप? ही नाम की है जी। मौलवी साहब क्या हाल है आपका? आप मौलवी अच्छा हैं जी जी बोलिए, पाकिस्तान जी? आप से मौलवी हैं आप? जी? मैं पाकिस्तान से जी हूँ। जी आप मौलवी साहब मुझे इससे पहले कुछ बताइए, भी। इन मर्दों की प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों इतने गंदे कमेंट्स लिखते हैं? ये क्या हो गया इनको? देखो मैं आपको एक अच्छी बातें बता रहा हूँ, मेरी बहन हो या माँ हो, उसके दर्जे में रख के आपको मैं कहना चाहता हूँ। इससे पहले कोई भाई आए थे, बात कर रहे थे, मैं देख रहा था। तो ये मिसाल है कि अगर खुली शहद को अगर कहीं रख दिया जाए तो उसमें बहुत सारे मक्खियां पड़ती है, तो गलती किसकी है? शहद रखने वाले की है ना, तो मक्खियां तो खाएगी। तो इसी तरह हम अपने अगर बदन को ढांक के रखे, मैं ये नहीह कह रहा हूँ आप कपड़ा पहनिए, ये अगर बात में बुरा मत मानिएगा, तो इंसान तो कहते हैं यानी गलती के पूजा, गलती यानी इंसान जब पैदा ही हुआ था तो एक बार हजरत आदम अलैहि सलाम तो गलती हुई, जब दुनिया इससे दुनिया में आए हजरत आदम अलैहि सलाम, उसके बाद यह दुनिया बनी। तो इंसान के मर्द हो औरत हो, ये शैतानी नफ्सियात जो होते हैं ना, ख्याल आते रहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम जी अपना खुद एहतियात करें। अगर हम जी चीटी की चीटी है भरा हुआ और हम अगर चीली गिर देंगे तो आएगी, जाहिर बात है। वैसे मौलवी साहब, मगर मेरी एक सवाल है आपसे। हमेशा मैं ये मिसाल जरूर सुनती हूँ कि भाई गोश्त को खुला छोड़ दोगे तो कुत्ते तो आएंगे ही, कैंडी के रैपर उतार दोगे तो मक्खियां आएंगी। मगर आप लोगों को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि आप एक जिंदा जीती जागती चीज को एक ऐसी चीज से कंपेयर कर रहे हो जो एक चीज है? अब औरत एक चीज तो नहीं है ना, एक इंसान है ना? और एग्जाम्पल दिया जाता है हर चीज का बहन, थोड़े सॉरी, किसी भी चीज की एक फॉर एग्जाम्पल मिसाल दिया जाता है, वो मिसाल है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं, हूँ कि सारे मिसाल, मर्द मगर एक आप जैसे होते मिसाल हैं। भी तो एक जीती जाती चीज से, एक आप जीती जाती चीज से करें ना मिसाल। आप एक मरी हुई चीज से एक जिंदा चीज की मिसाल दे रहे हो आप। और मक्खी एक जानवर है, एक फ्लाई है, इंसेक्ट है, कुत्ता एक जानवर है। आप लोग जब ये मिसाल देते हो तो आप कहते हो कि मर्द कुत्ता है और हम गोश्त हैं। अच्छा नहीं लगता ना वो। और दूसरी बात ये होता है कि भी मर्दों में भी तो थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है, नहीं देखो मेन पॉइंट ये है कि जो अपनी माँ बहन की जो इज्जत नहीं करता, जो अपने माँ बाप की जो परवरिश नहीं मिलती जिसको, वही ऐसा करता है। तेरी बहन सब पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, ठीक नहीं, वो तो नहीं होती, है? मुझे पता पांचों है उंगली वो। बराबर अच्छा, अगर मौजी साहब आपने ना यहाँ पे एडम और ईव की बात की, तो आदम और हवा की बात की। अब आदम और हवा जो थे वो उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चों ने आपस में वो करा और फिर आगे नस्ल बढ़ी। आपको इसमें कुछ गलती नहीं लगती? नहीं तो वहां से निकाह का पैगाम अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह से पहले करवाया, उसके बाद ये बच्चे पैदे हुए, जो भी हुआ उसके निकाह पहले हो गया अल्लाह मगर, ताला ने हाँ वो नहीं, निकाह उनका तो हो गया मगर उनके फिर बच्चों ने, भाई बहनों ने आपस में शादी की नहीं ना? निकाह की, तो अल्लाह तबारक व तआला के निजाम चलता रहा, चलता रहा। वही वही से अब निकाह ये तो करवाया बंदा उनका, जैसा मान रही हूँ आपकी बात, मगर मैं कह रही हूँ कि आदम और हव्वा के जो बच्चे थे, बेटा बेटी, भाई बहन ने शादी की और उससे फिर हमारी नस्लें चली। सुनिए, तो ये हव्वा जो है, हव्वा कहाँ से पैदा हुई? उसको अलग नहीं बनाया गया, मिट्टी वो का तो अल्लाह पुतला ने उसको नहीं बनाया बनाया, ना, उसकी आ, 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 एडम को और बनी हव्वा को अल्लाह ने बनाया है ना? है। ये तो बनाया है दोनों को, तो आदम जो थे उनके पसली से पैदा हुआ, पैदा हुई हव्वा। मैं वो अग्री कर रही हूँ आपसे, मुझे बताएं वो पैदा हो गए मगर आगे हमारी नस्ल कैसे बनी? देखिए वो जब वहां से पैदा बच्चे हुए तो अल्लाह तबारक व तआला निकाह का उनको पैगाम दिया, वहां से भाई बहन का चलते आ रहा था, बाद में फिर आ गया ना अलग अलग, वहां से सिर्फ थोड़ा चला, उसके बाद अलग अलग आया ना, कचेरी बहन सपेरी बहन करना है जायज है, बाकी सगी बहन से मना है सिर्फ निकाह करना, तो उस अल्लाह ने वक्त था। दो कपल क्यों नहीं बना दिया? अल्लाह ने दो मर्द और दो औरतें क्यों नहीं बना दी? यानी आपको तो ये पता होगा, अगर पता नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकली अगर आप भाई बहन के साथ रिश्ता करते हो और बच्चे पैदा होते हैं तो वो मेंटली
उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकली भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ तक कि अगर आप अपनी फर्स्ट कजन के साथ शादी करो, जैसे यहाँ बाहर के मुल्कों में आप किसी को नहीं देखोगे जो अपने फर्स्ट कजन के साथ शादी करते हैं, क्योंकि वो उनको अपनी बहन ही मानते हैं, और अगर आप करते भी हो तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं बच्चे के अंदर। तो आप ये हमको बताइए कि जब अल्लाह मियाँ ने उस वक्त दो कपल्स क्यों नहीं बना दी, भाई बहनों की शादी क्यों करवाई साथ में, और बाद में उसी चीज को गलत कह दिया। नहीं तो ये दुनिया फैलाना था, अल्लाह का मकसद जो तो गलत काम से क्यों फैलाना था अल्लाह मियाँ के बाद। देखिए अल्लाह मियाँ तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ये तो आप मानते हो, तो अल्लाह मियाँ ने दो कपल्स क्यों नहीं बनाए? हम क्यों गलत कह, गलत नहीं कह सकते, एक बनाने वाला जो बना सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो बनाता अपनी मर्जी से बनाता है, अल्लाह ने हमें अपना मर्जी से बनाया है, वो अगर चाहते तो हमें हुक्म देता कि अपने बहन से शादी करो, हम उनकी मर्जी उनको मत देखिए जो बनाया है हमें, ठीक है, उनको देखिए कि जिस चीज को बनाया है, वो मैं आपकी बनाने मान रही वाले हूँ के बात, ऊपर मेरी बस वही ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक काम करवाया अल्लाह मियाँ ने पहले आगे नस्ल बढ़वाने के लिए, फिर आगे जाकर उसी काम को गलत करा दे दिया, क्यों अल्लाह मियाँ का माइंड चेंज हो गया? माइंड चेंज नहीं हुआ, ये जब इतने सारे नबी आए अंबिया आए जितने भी आए तो इनके जरिए दीन फैलाया गया, उस वक्त आदम खुद एक नबी थे, अल्लाह के नबी थे, ठीक है, तो वहां से दीन फैलाना अब तो ये मुमकिन नहीं था ना कि अलग बंदा पैदा करते हैं फिर अलग बंदा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हवा से जब आदम का ही निकाह करवा दिया तो चलता रहा सिलसिला सिलसिला, अब आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके निजाम बना दिया, जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया वही वही सुन्नत हो गए हमारे। आई डोंट नो, मुझे ये चीज कोई हजम नहीं होती है कि अल्लाह मियां जो सबको जितनी कायनात बना दी उन्होंने दो कपल्स क्यों नहीं बना लिए। उनको ये पता होना चाहिए था कि अगर आगे नस्लें चलेंगी इस तरीके से तो उनके दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होगा, उन बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि भाई एक चीज जो गलत थी पहले अल्लाह मियाँ ने खुद करी करवाई और फिर बाद में जाके उसको कहा कि गलत है, इस तरह से अल्लाह मियाँ दो कपल्स बना देता उन दोनों के बीच में शादी हो जाती, खत्म हो जाता किस्सा, आसान चीज यही थी ना। तो कपल तो हुआ ना अलग अलग, अब उनके बच्चे हुए तो अब क्या करें, हो गया तो हो गया, अच्छा मौलवी साहब अल्लाह तबारक व ताला ये हो गया एडम और ये हो गई हवा, ठीक है, इन दोनों ने हमबिस्तरी की तो इनका बच्चा हुआ बेटा। हवा किससे पैदा हुआ पहले ये देखिए, हवा का निकाह किससे हुआ था, हवा का निकाह किससे हुआ था, आदम से हुआ था, ठीक है, और हवा पैदा किससे हुआ, अल्लाह मियाँ ने बनाया ना दोनों को, अल्लाह मियाँ ने बनाया, अलग अलग नहीं बनाया, अलग अलग नहीं बनाया, आदम जो मर्द था उसकी पसली से बनाया, हाँ आदम वो मैं मान गई उसकी पसली से बनाया वो हो गया, मगर देखें ये एडम हुआ हवा हुई फिर उनका एक बेटा हुआ और फिर उनकी एक बेटी हुई, एक्चुअली दो बेटे थे तो वो बेटों में भी लड़ाई हो गई थी कि नहीं मुझे इस बहन के साथ शादी करनी है उस बहन के साथ नहीं करनी है, तो उन लोगों ने भी आपस में जो है तो बहन भाई की शादी हुई, बहन भाई ने रिप्रोड्यूस किया और फिर आगे हमारी नस्ल बढ़ी और फिर आगे जाके अल्लाह मियाँ ने कहा कि नहीं ये गलत काम है, बहन भाइयों को साथ में नहीं सोना चाहिए। लो मौलवी साहब भाग गए, मौलवी साहब लॉजिक की बात है, लानत लड़की जो पता ना हो वर्ड्स की सिलेक्शन, क्या वर्ड्स की सिलेक्शन मोहम्मद जी, इतने तमीज से तो मैं बात कर रही हूँ, मेरा लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं भी क्वेश्चन से भी पूछती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने इतनी बड़ी कायनात बना दी उनके लिए क्या बड़ी बात थी, दो कपल्स बना देती ये क्या बात थी, लो मौलवी साहब भाग गए यहाँ पर, मौलवी साहब सही बात नहीं है, आई डोंट नो कौन सी खेत की मूली हो आप, मैं खेत की मूली ही नहीं हूँ, मैं माली हूँ खेत का, ठीक है, अब क्या करें, शैतान की औलाद, भाई मैं शैतान की औलाद नहीं हूँ मैं।